हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5 बजे से। तो आज हमारे घर में आ गई है मेहमान, फिर से नई मेहमान आ गई है। मेहमान तो है नहीं उतने खास, लेकिन है मेरे भाई लोग, जो मेरे से छोटा है ना, वो रहता है बाहर, रानीखेत स्कूल पढ़ता है। तो वो लोग आ गए हैं आज यहाँ पे, और साथ में मतलब भाई लोग गए थे उनको लेने के लिए, मामा लोग गए थे लेने के लिए, तो वो लोग आ गए हैं यहाँ पे आज। और क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ गई है, तो वो लोग फिलहाल मतलब घर आ गए हैं। और तो सोचा क्यों ना उनके लिए आज कुछ खास स्पेशल खाना बनाया जाए। तो देखते हैं आज हम लोग उनके लिए कुछ खास स्पेशल खाना क्या बनाते हैं, तो आप लोग को बताती हूँ मैं। तो अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश भी लग गई है, बहुत ज़्यादा ही, देख सकते हैं इतनी बारिश लगी है ना, बहुत ज़्यादा यार, क्या बोलना। मौसम भी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, देख सकते हो अभी अंधेरा भी बहुत हो गया है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में बनना है स्पेशल खाना। बताओ आपको क्या बन रहा है। तो आज हमारे घर में बन रहा है मीट, मतलब पहाड़ी चिकन। और दादी सोने लग गई अभी से, सुन बस यार बटी नींद होनी, चीज अलग होता है। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट बोल, गुड नाइट, गुड नाइट। इसको तो बस गाना ही की लगी है। तो दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं मीट, और स्पेशल खाने में आज हम लोग मीट बना रहे हैं। तो ये प्याज टमाटर और हरी मिर्ची की कटिंग करके रखा है, और ये मैं अभी दुकान से मीट मसाला लेके आई हूँ, और यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रखा है। तो ये रहा मीट। गांव में कल पूजा थी, तो पापा लोग मम्मी लोग गांव से मीट लेके आए, और आज हम लोग मीट बना रहे हैं। और इसमें ये लहसुन भी कूट दिया है, और अभी ये बना रही है मीट। इसने बर्तन वर्तन धो दिया है, तो ये बना रही है अभी यहाँ पे मीट। और मैं तो रोटी बनाऊँगी, मेरी रोटी बनाने की ड्यूटी है आज। तो अभी दीदी बना रही है मीट, तो आप लोग को बताते हैं कि मतलब पहाड़ी मीट कैसे बनाते हैं। और आप लोग बोलना, आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताना कि आप लोग के इधर मीट को गढ़वाली में क्या बोलते हैं। हमारे इधर तो मीट को गढ़वाली में सिगार बोलते हैं। और आप लोग, इसमें मुझे हंसा दिया यार, ये बार बार हंसी निकाल रही है, पता नहीं क्यों, इसको पता नहीं क्यों हंसी आ रही है बार बार। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग के इधर गढ़वाली में मीट को क्या बोलते हैं। हमारे इधर तो सिगार बोलते हैं, मैंने बता दिया। और आप लोग ज़रूर बताना मीट को गढ़वाली में क्या क्या बोलते हैं। तो आप लोग ज़रूर, हमारे खास मेहमान। और ये दीपू खिचू, इसको देखो तो। और ये है मेरा भाई, ये दोनों भाई, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, दिव्यांशु और ये सचिन है। और इसका भी यूट्यूब चैनल है, इसका यूट्यूब चैनल है सचिन सिंह ब्लॉग्स, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर दो, ठीक है गाइस। और ये यहाँ पे दादी भी बैठी है। हेलो दादी, सो नहीं रही आप? कब सोएंगी जल्दी बताओ।
जब सोएगा तेरा क्या है? कब सोएगी जल्दी बता। जब भी सोएगा तो क्या लेना? मैंने कुछ नहीं लेना। चुप। क्या बोला दादी? गुड नाइट। ठीक है, हाथ मिला दे। चल गुड नाइट, हाथ मिला दे। गुड नाइट। ठीक है भाई, मैं गई सोने के लिए। ओके, मैं खाना नहीं खा रही। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये दादी जी बैठी है यहाँ पे, और ये सचिन लोग, अंकु, दीपू सब बैठे हैं। ये कोई लैपटॉप पे लगा है, कोई कहीं। वो देखो दोनों कुत्ते सामने, ये दोनों कुत्ते एक जैसे हैं। और ये दीदी है, ये मम्मी है। और तो दिखाती मैं आपको, ये जो ये माला है ना, ये ताई जी ने दिया है रानी खेत से मम्मी के लिए, और ये रोशनी दीदी के लिए झुमके दे रखे यहाँ पे। तो दादी, आपकी दादी के लिए क्या दिया है? दादी के लिए कुंडल, दादी के लिए भी कुंडल लेके आई है। तो दादी को भी कुंडल दिया है, और सब बैठे है यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, हमने बना दिया है मीट, मतलब गड़े वाली मीट, जिसे सिगार कहते हैं। और कैसे बन रखा है ये मेरा रील देखने पे लगा है यहाँ पे। ये देखो, जैसे इसने कभी नहीं खा रखा होगा वैसे खा रहा है ये। और ये अंकु है, और ये है सचिन, जो ये हमारा आज का स्पेशल मेहमान था यार खरानी खेत से। और इसका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना। और ये है मम्मी जी, और ये यहाँ पे दादी जी। दादी, मीट कैसे बन रखा? क्या ये मीट का ना बनियो दे दे शिकार बड़े बड़े मोर आन मां दे ने ना बोल दे जो खा लो मैं से खा छोड़ दूंगी। ये देखो ये, और तो कैसे बन रखा है बताओ? मस्त ना? मस्त। तो दोस्तों करते हैं आज की ब्लॉग की एंडिंग, और अभी रात के बज चुके हैं 9, और हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया है। तो मतलब मीट भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन हल्की सी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में।